और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। जैसे कि नौवे रमज़ानुल मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो सबसे पहले आपने मरी वॉइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना है। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मा गाय से, जैसे कि अभी हम नहाए धोए हैं, लश पाश हुए हैं और जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने, आप सब के लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। जो आप सब के दिलों में उम्मीदें हैं, जो मुरादें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी वो कबूल करेगा। और अभी मस्जिद जा रहे हैं और मस्जिद से नमाज नमाज पढ़ के और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। وهو الحي لا اله الا هو ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جئنا مؤمنا بهذا الدين ولذتها فاتها وطاعتها باطلا ونصرها فوق واخرها باطلا بدل ضعيف وضعيف وصفه قبيل وزاد قليل قليل وبقي हाँ जी जनाब, जैसे कि ये भी नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से निकले हैं और ये जा रहे हैं अपने दोस्तों की तरफ, उनके पास जाके थोड़ा सा गपशप लगाएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, किधर का सीन बनाए, किधर चले, कितना चले, लेकिन अभी जा रहे हैं अपने दोस्तों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे प्यारे भाई जी राजा उमर साहब, पीछे चौधरी आरज गुजर साहब, राणा साहब, राजा रेहान साहब। आज हम सब भाई यार प्यारे वीर सब हमारे शहजादे भाई हैं ये। आज हमने सीन बनाया है D17 जाने का। क्यों जी राय जी? यही बात, D17 जाने का प्रोग्राम बनाया है। पहले राय साहब ने कॉल की हमें, उसके बाद ये प्यारे भाई राणा साहब तो हमें इत्तेफाक से मिल गए थे और रेहान साहब को भी की। ने हमें बड़ा लेट कराया, चोई साहब थोड़ा सा इधर गुड मॉर्निंग मुझे रामनाथ को ठहर ले आए। तभी हम D17 जा रहे हैं, तभी ये प्रोग्राम पे आए तो थोड़ा सा डीजल भरवा ले, पेट्रोल वगैरह, तो फिर उसके बाद D17 जाके आपको मुलाकात कराते हैं और नज़ारा दिखाते हैं वहाँ का। फैदाबाद से आके माशाल्लाह से D17 जा रहे हैं प्यारे भाई साहब यार, वो सब का इंतजाम किया जा रहा है पीछे से। माशाल्लाह माशाल्लाह गुजर साहब, बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह से। आज आपको दिखाते हैं जरा, चेक करें। हाँ जी जनाब, जैसे कि अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं तो हमारे कुछ दोस्त पीछे रह गए थे, अभी उनको वेट किया जा रहा है और ऐसे ही वो है तो हम साथो साथ ही जा रहे थे कि हम जाएं, तो वो किधर पीछे रह गए हैं, तो देखते हैं जैसे वो आते हैं तो फिर यहाँ से हम बार बार। ये गाड़ी हमारी आ गई दोस्तों की, जिसका इंतजार किया जा रहा था। जा रहा जनाब काफी देर से चौधरी नदीम सरवर साहब का, ये भी हम इस्लामाबाद, जैसे कि आपको बताकर हम अल्टी गार्डन आ गए हैं, जैसे कि हम आपको बता कर आए थे, आज थोड़ा सा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आए थे, इधर अपना काम भी था छोटा सा, तो हमारे चौधरी आरज साहब थे तो वो आगे चले गए, हमारे राजा जी थे हमारा एक बंदा आगे कुछ किया, कुछ करके आगे चला गया दूसरी गाड़ी में, तो अभी हम इधर पहुंचे हैं तो बड़ी रश है इधर भी,
पीछे भी है रश। तो चले हल्के हल्के जाते हैं, देखते हैं। चौधरी नदीम सरवा साहब इन भाई का हम वेट कर रहे थे और ये हमारे साथ आ गए। जनाब हमारे एक और भाई हैं जो रवानगी कूच करके हैं पीछे, तो अभी हम सिर्फ यही दो ही बंदे बैठे हुए हैं। किधर गए जी? हम बस अकेले बैठे हुए, ये डबल हो गए हैं। इनको रोदा सख्त लगा हुआ है, सख्त वाला रोदा लगा हुआ है। ये कह रहे एक बार पानी की नदी हो, मैं वहाँ पे जाके छलांग मारूं। हाय करबला के प्यासे हुए हैं, दरियान सा मसरूफ है अपनी कालों में। तो अभी हम वेट जिनका कर रहे थे, जरा आपको उनके साथ जाके आपको मिलाते हैं। ये हमारे माशाल्लाह से चौधरी आरस साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। नदीम सरवा साहब माशाल्लाह से वाजिद भाई हैं ये हमारे, जिनका हम वेट कर रहे थे माशाल्लाह से। भाई थोड़ा सा आप अपने बारे में आवाम को बताएं, कैसे आप? ठीक हैं रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? जी जैसे कि आपको गाड़ी में हम गए थे तो इनका माशाल्लाह से अमर साहब का गाड़ी का अब हम काफी भाई आ रहे हैं, दूसरी गाड़ी हमारी वो खड़ी हुई है, वो नजर आ रही है, वो भी गाड़ी हमारे साथ ही थी। लेकिन इधर काम चालू हो रहा है हमारे पीछे, आप देखे ना भाई साहब खड़े हुए, वो राजा साहब वो पीछे वाजा साहब खड़े हुए हैं, गाड़ी का काम शाम चालू हो रहा है। तो बड़े खजल कुमारी हुई है कसम से इधर। तो रोजा क्या टाइम हुआ जी जनाब? पंद्रह मिनट रह गए वहाँ चले में, तो बात अभी हम छोटा मोटा काम है, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी बस, इतना जगह दूसरी गाड़ी हमारी वो खड़ी हुई है, कोई नहीं। अच्छा काम था जी, वो खड़े भाई मारे जिनने गाड़ी सेट की है, वो आपको दिखाते हैं जी। किधर गए? ये भाई मारे इन्हें गाड़ी यस करके दी है, दो मिनट तो बात करते जाएंगे घर शहर करेंगे। अब हम जा रहे हैं और गाइस घर किधर हो, तो निकला है मल्टीप्लिकेशन से। तो अब ये राजा साहब हमारे साथ हैं, जरा गाड़ी का मसला हो गया था, अब ओके हो गया है, अब गाड़ी ठीक हो गया हमारी, अब गाड़ी पहुंच चुकी है। रोजा लग गया था उस भाई को, हमारे राणा साहब को रोजा लगा हुआ है। अब ये देखें राजा साहब मस्ती में लगे हुए गाड़ियों के बीच में घुसाने की कर रहे हैं जान पूछ के। मौसम बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, मौसम चेक करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं? ठीक है, अभी हम D17 से निकल के घर की तरफ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, कुछ टाइम रह गया, 5:30 हो गए हैं। तो ये राजा साहब हमारे बैठे हुए हैं, आपको पता भी चला था थोड़ा सा मसला हो गया था, अफ्तारी का भी यस कहेंगे, मनाल जा रहे हैं हम यहां से। हाय हमारे क्वाली लगाने की गा रहे हैं और जो साहब ने फुल डंडिंग पेंडिंग वीडियो की है उसकी, हाय 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 बड़ा हाय हाय हाय। आपको अपने YouTube चैनल के नीचे लिंक देंगे जो साहब की आईडी का, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। और कोई आपने प्लॉट शॉट लेने हो, गाड़ी लेनी हो, किसी चीज का, राजा उमर साहब से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, किसी भी सोसाइटी में आपको चाहिए हो प्लॉट, घर चाहिए हो, चाहिए तो फोटो वाला भी मिलेगा, फोटो वाला भी मिलेगा राजा साहब अगर आपका। और अगर आज मौसम आप लोग देखें तो मैं कहता हूँ कसम से यार बड़ा एंजॉय और चिल करने। आप क्या हाल है? सब खैर खैरियत से है। जैसे कि अभी हम बाहर से वापसी हुई है तो अभी दोस्तों को अलविदा किया, तो ये हमारे प्यारे हाफिज जी हैं, तो इनके साथ अभी हम फिर बाहर आ गए हैं। ये बाइक बारिश शुरू हो गई है, रिमझिम हो गए, कपड़े गिले हो रहे हैं, आज जब पूरा दिन इंटूरों में गुजरा है जनाब, कसम चस आ गई माशाल्लाह से, मौसम भी आए हाय हाय चस बकरी आ गई। क्यों हाफिज जी, आप अपने रोजे कितने कैसा जा रहा है आपका रोजा? रोजा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बाकी रोजे जो गुजर गए वो भी अच्छे गुजरे हैं और इसके बाद जो रोजे वो भी चले गुड हो गया। फिर हम मिलते हैं इधर अपना क्या कहते हैं उसे अफ्तारी के बाद आपसे, सब सब से सब से सब का ख्याल रखें अपना।
अस्सलाम गाइस, सब कैसे हैं? अफतारी से कुछ टाइम रहता है, मैं आया था इन भाई से चकोरियाँ लेने। ये शहनशाह भाई बहुत बढ़िया चकोरी है, 150 रुपए की है। वो जो माल खाएगा वो याद करेगा, फिर दोबारा आएगा, दौड़ के आएगा। वो अब्दुल्ला भाई है, ये चकोरी वाली दुकान का नाम है, और आप सब ने जरूर आना है। शहनशाह भाई से चकोरियाँ लेनी है और आपको ना मजा आया तो पैसे वापस।